आज हम चैप्टर 6 शुरू करते हैं। यह है दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का अर्थ है दांतों की। छोटा बच्चा जो नए अंकुरित दांत होते हैं, छोटे छोटे दांत होते हैं, तो उनके लिए बताया गया है कि एक छोटे बच्चे के नए अंकुरित दांत है, नए नए दांत उसके निकले हैं, और फिर जब वो मुस्कुराता है तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। यही इस कविता में कवि नागार्जुन ने वर्णन किया है कि किस प्रकार से छोटा बच्चा जब नए नए दांत उसके निकले हो और फिर वह मुस्कुराता है तो कितना सुंदर लगता है, कैसा लगता है, उसकी हंसी, उसकी मुस्कान, उसका चेहरा वो कैसा होता है, यही इस कविता में हम पढ़ेंगे। कवि हमारे जो नागार्जुन हैं, इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, जिनमें इनका एक नाम है यात्री। यात्री नाम इनका इसीलिए पड़ा है कि बहुत ज्यादा इन्होंने यात्राएं की हैं और बहुत ज्यादा ये भ्रमण पे ही रहा करते थे, इसलिए इनका नाम यात्री रखा है। इस कविता में भी हम इस चीज को देखेंगे, हमें समझने को मिलेगा कि वास्तव में ये नागार्जुन अपने बच्चे के सामने जब जाते हैं तो इनका स्वयं का वह छोटा सा बच्चा ही इनकी तरफ तिरछी निगाहों से, नजरों से देखता है, क्योंकि वो अपने पिता को या नागार्जुन को ही पहचान नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत दिनों तक बाहर ही रहते हैं, घूमते रहते हैं, भ्रमण पे ही रहते थे। जब ये अपने छोटे से बच्चे के सामने पहुंचे तो वास्तव में वो बच्चा इन्हें नहीं पहचान पाए। तो देखो क्या हुआ, पढ़ते हैं कविता में। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित यानी नए दांतों वाली, नए नए जो अंकुरित दांत होते हैं उनकी बात है, तो नए नए दांतों वाली मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान। अगर कोई मृतक हो तो यह तुम्हारी नए नए दांतों वाली मुस्कान उसमें भी जान डाल देती है। यहाँ निर्जीव, मृतक का अर्थ है निर्जीव। जो निर्जीव लोग हैं, जो निरुत्साहित लोग हैं, वास्तव में ऐसे लोगों में भी जान डाल देती है, ऐसे लोगों को भी सजीव बना देती है, जागृत अवस्था में ला देती है। एक बालक के लिए कहा जा रहा है कि हे बालक, तुम्हारी यह नए दांतों वाली मुस्कान मृतक में भी जान डाल देती है। अर्थात जो निर्जीव व्यक्ति है, निरुत्साहित व्यक्ति है, उसको भी ये तुम्हारी मुस्कान है वो सजीव बना सकती है। तुम्हारी ये नए दांतों वाली मुस्कान ऐसी है, इसमें इतनी शक्ति है कि मृतक को भी यह सजीव बना सकती है, मृतक में भी जान डाल सकती है। अर्थात जो निर्जीव व्यक्ति है उसको भी ये सजीव बना सकती है, जो निरुत्साहित है उसे भी ये उत्साहित कर सकती है। धूली धूसर मिट्टी में सना। धूली धूसर का अर्थ है मिट्टी में सना, और गात यानी शरीर। उस बच्चे के शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, तो कहा जा रहा है कि तुम्हारे शरीर पर ये मिट्टी लगी हुई है, तुम्हारा शरीर मिट्टी में सना हुआ है, तो ये मिट्टी में सना हुआ तुम्हारा शरीर भी देखो कैसा लग रहा है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। जल जात यानी कमल। जल जात यानी कमल। ऐसा लग रहा है
जैसे कमल तालाब छोड़ करके मेरी झोपड़ी में आकर खिल रहे हैं। हे बालक, तुम्हारा मिट्टी में सना हुआ यह शरीर, तुम्हारा मिट्टी में सना हुआ यह शरीर ऐसा दिखाई दे रहा है। तुम इतने सुंदर दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे शरीर पे ये मिट्टी लगी हुई है तो मिट्टी लगा हुआ तुम्हारा शरीर इतना सुंदर दिखाई दे रहा है जैसे कोई कमल तालाब छोड़ करके और मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। अर्थात कमल जैसे कोमल होता है, कमल जैसे खिला हुआ रहता है, ठीक ऐसे ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है। और कमल जैसे कीचड़ में खिलता है वैसे तुम्हारे शरीर पर भी कीचड़ लगा हुआ है। तो कीचड़ लगा हुआ या मिट्टी में सना हुआ तुम्हारा शरीर कितना सुंदर लग रहा है जैसे कोई कमल तालाब छोड़ करके ही और मेरी झोपड़ी में खिल गया है। अर्थात कमल के समान तुम बड़े सुंदर और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ मिट्टी में सना हुआ शरीर बालक का कमल के समान लग रहा है। परश पाकर तुम्हारा ही प्राण, परश का अर्थ है स्पर्श, परश का अर्थ है स्पर्श और प्राण का अर्थ है जीवन, प्राण का अर्थ है जीवन। उस बच्चे से कहा जा रहा है जिसके नए नए अंकुरित दांत है और वो मुस्कुरा रहा है, तो उस बच्चे से कहा जा रहा है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर कठिन यानी कठोर, पाषाण यानी पत्थर, तुम्हारा स्पर्श पाकर तो कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा या जल बन सकता है। तुम्हारा स्पर्श पाकर तो उस बच्चे से कहा जा रहा है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर तो कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन सकता है। अर्थात जो कठोर हृदय वाले लोग हैं, जो निर्दयी लोग हैं, ऐसे लोगों का जीवन भी पानी के समान अर्थात स्वच्छ और निर्मल, ऐसे लोगों का जीवन भी जल के समान, पानी के समान स्वच्छ और निर्मल बन जाता है। हे बालक, तुम्हारा स्पर्श पाकर तो कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा। अर्थात तुम्हारे स्पर्श से तो जो कठोर पत्थर जैसे कठोर हृदय के लोग हैं, जो निष्ठुर लोग हैं, वे भी उनका जीवन भी तुम्हारे स्पर्श से जल के समान निर्मल और स्वच्छ बन गया होगा। या तुम्हारे स्पर्श से कठोर हृदय के लोग भी पानी के समान हो जाएंगे, निर्मल बन जाएंगे, स्वच्छ बन जाएंगे, उनका कठोर हृदय भी पिघल जाएगा। छू गया तुमसे की झरने, लग पड़े शैफालिका के फूल, बांस था की बबूल। जैसे बांस और बबूल ये नीरस होते हैं, जैसे बांस और बबूल नीरस होते हैं, फिर भी तुम्हारे छूने से, तुम्हारे स्पर्श करने से शैफालिका के फूल, ये शैफालिका नाम है जिसके फूल लगते हैं, सुगंधित फूल लगते हैं, सुगंधित और कोमल फूल लगते हैं। तो ऐसा कहा गया कि बांस हो या बबूल, ऐसे वृक्षों के भी तुम्हारा स्पर्श करने से शैफालिका के समान फूल खिल सकते हैं। अर्थात जो नीरस लोग हैं बांस की तरह, बबूल की तरह जो नीरस लोग हैं,
तुम्हारे छूने से, तुम्हारे स्पर्श से वे भी शैफालिका के फूल के समान महक सकते हैं, वे भी सरस और कोमल बन सकते हैं। बालक से कहा जा रहा है कि बांस और बबूल के समान अगर कोई हो, अगर कोई नीरस व्यक्ति हो, तो वह भी शैफालिका के फूल के समान बन जाएगा, अर्थात वह भी कोमल और सरस बन जाएगा उस बालक के स्पर्श से। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, प्रश्नवाचक चिन्ह है, उस बच्चे से कहा जा रहा है, उस बालक से कहा जा रहा है, नागौर चिन्ह ने कहा है कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो, देखते ही रहोगे ऐन निमेश। ऐन निमेश का अर्थ है लगातार, इसीलिए तुम मुझे लगातार देख रहे हो, मुझे लगातार देख रहे हो क्योंकि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, थक गए हो। अब लगातार देखते देखते तुम थक गए होंगे, आंख लूं मैं फिर, मैं अपनी आंखें, मैं अपनी दृष्टि क्या तुम्हारे ऊपर से हटा लूं? तुम मुझे देखते देखते लगातार देख रहे हो तो शायद थक गए होंगे, तुम मुझे फिर भी पहचान नहीं पा रहे हो, तो क्या मैं अपनी दृष्टि, अपनी नजर फेर लूं, यानी तुम्हारे ऊपर से हटा दूं? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, तुम पहली बार में मेरे से परिचित नहीं हो सके हो, यानी पहली बार आज तुमने मुझे देखा है, इसलिए तुम मेरे से परिचित अभी नहीं हुए हो, तुम मुझे अभी नहीं जानते हो, इसलिए लगातार देख रहे हो मुझे। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, ये तो तुम्हारी माँ ने मेरा परिचय करा दिया तुमसे, मैं तुम्हारा पिता हूं, यदि तुम्हारी माँ, यदि हमारे परिचय का माध्यम नहीं बनती, यदि वो मेरा परिचय तुमसे नहीं कराती, मैं न सकता देख, मैं न पाता जाऊं, तो मैं तुमसे आज मिल भी नहीं सकता था और मैं तुम्हें जान भी नहीं सकता। ये तुम्हारी माँ ने आज परिचय पहली बार तुम्हारा और मेरा परिचय कराया है, वो ही माध्यम बनी है। अगर वो परिचय नहीं कराती, अगर वो नहीं बताती, तो आज हम मिल नहीं पाते, आज हम परिचित नहीं हो पाते, आज हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाते और मैं भी तुम्हें जान नहीं पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, वास्तव में तुम्हारी यह दंतुरित यानी नए नए दांतों वाली मुस्कान बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। मैं उस मुस्कान को देख भी नहीं सकता और मैं इस मुस्कान को जान भी नहीं सकता। ये तो तुम्हारी माँ आज माध्यम बनी है, उसकी वजह से मैं तुम्हारे नए दांतों वाली ये मुस्कान आज देख पाया हूँ और मैं तुम्हें आज पहचान पाया हूँ। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम भी धन्य हो क्योंकि बहुत सुंदर हो, और तुम्हारी माता भी धन्य है क्योंकि उसने ही आज हमारा परिचय करवाया है। तो तुम धन्य हो और तुम्हारी माता भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर, इतर यानी अन्य या दूसरा, इतर का अर्थ अन्य, एक ही बात है, दूसरा। चिर यानी बहुत दिनों से, बहुत समय से, प्रवासी मैं लंबे समय से प्रवासी रहा हूं, मैं इतर, मैं एक अन्य के समान, पराए के समान, मैं एक दूसरे के समान रहा हूं। जैसे कोई अपरिचित होता है, दूसरा व्यक्ति होता है, मैं भी आज उस दूसरे व्यक्ति के समान हूं, अन्य व्यक्ति के समान हूं, क्योंकि मैं भी लंबे समय से प्रवासी रहा हूं, मैं भी दूसरी जगह रहा हूं, यात्रा पर लंबे समय से रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूसरा या अन्य के समान हूं।
इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। हे प्रिय, अपने बच्चे को कहा जा रहा है, हे प्रिय मैं अतिथि के समान हूं क्योंकि मैं प्रवासी रहा लंबे समय से। जैसे कोई अतिथि आता है तो मैं भी अतिथि के समान ही आया हूं। हे प्रिय मैं भी अतिथि के समान आया हूं और अतिथि के समान ही मेरा और तुम्हारा संपर्क रहा है। जैसे कोई अतिथि आता है और फिर आतिथ्य पाकर के और वो अपने घर चला जाता है, ठीक मैं भी तुम्हारे लिए अतिथि के समान रहा हूँ। मेरा और तुम्हारा जो संपर्क है वो एक अतिथि के समान ही रहा है। अंगुलिया माँ की कराती रही मधुपर्क। मधुपर्क में दूध दही घी बूरा शहद ये मिलाया जाता है, ठीक है। ये सब मिलाकर के पोषक तत्व होते हैं, ये आवश्यक तत्व होते हैं जो शरीर को मिलने चाहिए, ऐसे आवश्यक तत्व इनके अंदर होते हैं। तो जो कुछ तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यक है वो सब चीजें माँ की अंगुलियों के द्वारा तुमने ग्रहण किया है, यानी जो तक तुम्हारे खाने पीने के लिए आवश्यक था वो सब तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें उपलब्ध करवाया है, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें खिलाया है। देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मारने का अर्थ है तिरछी नजरों से। कनखी मारने का अर्थ है तिरछी नजरों से। कह रहे हैं कि तुम मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हो, आज मुझे तुम तिरछी नजरों से देख रहे हो क्योंकि तुम मेरे से परिचित नहीं हो, आज पहली बार मेरे से मिले हो। तुम्हारी माँ ने हमारा परिचय कराया है, मैं तो उस अतिथि के समान हूँ और इतना ही हमारा संपर्क रहा है, इसलिए तुम मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हो। और होगी जब की आंखें चार, जब हम आमने सामने होंगे, हम आमने सामने मिलेंगे, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब ये तुम्हारे नए नए दांतों वाली मुस्कान मुझे लगती है बड़ी ही छविमान। छविमान यानी सुंदर। मुझे तुम्हारी ये छोटे छोटे नए अंकुरित दांतों वाली मुस्कान बहुत ही छविमान यानी सुंदर लग रही है। तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली नए नए दांतों वाली जो मुस्कान है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। होती जबकि आंखें चार, जब तुम मेरे सामने आ गए हो, जब हमारी तुम्हारी नजरें आमने सामने है, तब मैंने ये देखा है कि तुम्हारे नए नए दांतों वाली ये जो मुस्कान है मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है। इस प्रकार से लेखक नागार्जुन ने अपने बच्चे के लिए कहा है, अपने बच्चे की दंतुरित नए दांतों वाली मुस्कान के लिए